आज मैं आपको श्वसन के बारे में बताऊंगी। आखिर श्वसन क्या चीज है? वह क्रिया जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है श्वसन कहलाती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका समीकरण क्या है? अब इसमें आपको समझ में आ गया कि इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और दूसरा क्या बनता है, इसमें ऊर्जा बनती है। समीकरण देखें, भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एंजाइम्स की उपस्थिति में 25 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो CO2 प्लस H2O प्लस ATP यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के अणु और ATP यानी ऊर्जा बनती है। ये इसका समीकरण था। श्वसन में मुक्त ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब ATP पुनः विघटित होकर ऊर्जा मुक्त कर देता है। जैसे कि ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज इक्वल टू ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस 1P यानी फॉस्फेट का एक ग्रुप इसमें से अलग हो गया, ट्राई से ही किस में कन्वर्ट हो गया, डाई में कन्वर्ट हो गया, प्लस ऊर्जा। ठीक है, ये हमारा था श्वसन के का समीकरण और श्वसन किसे कहते हैं। दूसरा आता है हमारा श्वसन के प्रकार। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक अवायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वायु की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें 38 ATP तथा 6 CO2 के अणु बनते हैं। 38 ATP में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। इसका समीकरण देखिए, C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू एंजाइम्स की उपस्थिति में 25 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला पाइरूविक अम्ल का ऑक्सीकरण इस जिससे CO2 व जल का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र कहलाता है। इसी तरह से हम दूसरे पर आते हैं, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो है क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया को किण्वन भी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया व यीस्ट जैसे जीव श्वसन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। चूंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अतः अनोक्सी श्वसन कहलाता है। इसका समीकरण देखिए आप, C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू अनोक्सी श्वसन C2H5OH प्लस CO2। इसमें एल्कोहल और ऊर्जा बनती है। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, एल्कोहलीय किण्वन। यीस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाइरूविक अम्ल से इथाइल एल्कोहल व CO2 का निर्माण होता है, जो मैंने आपको सूत्र में देखा है, दे रखा है। इसमें एल्कोहल बन रहा है और ऊर्जा बन रही है। ये हमारा एल्कोहलीय किण्वन था। दूसरा आता है हमारा लैक्टिक अम्ल किण्वन। दूध में उपस्थित लैक्टो शर्करा को कुछ जीवाणुओं जैसे लैक्टिक एसिडी लैक्टेसी द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल दिया जाता है। इस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। यह प्रक्रिया लैक्टिक अम्ल किण्वन कहलाती है। इसमें इसका आप देखिए सूत्र समीकरण क्या रहेगा, लैक्टोस प्लस जल इज इक्वल टू ग्लूकोज बना प्लस के लैक्टोस बना। ग्लूकोज जो है जैसे पाइरूविक अम्ल में कन्वर्ट होता है, पाइरूविक अम्ल जो है वो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। अब श्वसन की अवस्थाएं देखें तो इसकी श्वसन की अवस्थाएं तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, बाह्य श्वसन। नंबर दो, आंतरिक श्वसन। और नंबर तीन, कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन क्या है? इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों यानी CO2 और CO2 का विनिमय होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्रीदिंग होता है, दूसरा गैसीय विनिमय। ब्रीदिंग, वायुमंडल से O2 को ग्रहण करना तथा CO2 को बाहर निकालने की क्रिया ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है, दूसरा है आपका गैसीय विनिमय। रुधिर में O2 व CO2 का विनिमय
जबकि पादपों में गैसों का विनिमय बाह्य वातावरण से पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। आंतरिक श्वसन क्या है? ऊतक तथा बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य होता है। कोशिकीय श्वसन यह एक एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। ये हमारी तीन अवस्थाएं थी श्वसन की। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मानव में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग श्वसनांग पाए जाते हैं। ये श्वसनांग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मैंने आपको इसमें श्वसनांगों का यानी श्वसन तंत्र का ये डायग्राम बनाया है, जिसमें मैंने इसमें सारे अंगों को आप प्रदर्शित किया है। इसके बाद श्वसनांग के बारे में आता है। पहला इसमें है नेसल, दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है आपका वायुनाल यानी विंड पाइप। विंड पाइप को भी दो में बांटा गया है, लैरिंग्स और ट्रेकिया में यानी श्वसनली में। चौथा है आपके लंग्स। पहला हम पढ़ते हैं नेसल। श्वसन अंगों का प्रथम भाग नासिका कहलाता है। ये नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है। नॉस्ट्रल के बीच में नेसल सेप्टम पाया जाता है तथा छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो धूल मिट्टी को जाने से रोकते हैं। नॉस्ट्रल नासा गुहा में खुलते हैं जिस पर म्यूकस मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। फेरिंक्स के बारे में देखते हैं। नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। इसका निचला भाग मुख ग्रसनी तथा कंठ ग्रसनी कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा विंड पाइप यानी वायुनाल। इसको भी हमने दो भागों में बांटा था। पहला है लैरिंग्स। यह ग्रसनी के पीछे किंतु निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है। स्वर यंत्र एक छोटे बक्से के समान होता है जिसे टैटुआ या एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। ये पुरुषों में गले के बाहर बाहर की ओर आपने देखा होगा उभरा हुआ दिखाई देता है। श्वास नली यानी ट्रेकिया। श्वास नली लैरिंग्स से निकलती है तथा दो शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे श्वासनिया कहते हैं, और तथा ये उपशाखाओं में बढ़ जाती है और ये विभाजित होकर फिर किस में खुलती है? वायु कोशों में खुलती है। इसके बाद आता है हमारा लंग्स। संख्या में दो हल्के गुलाबी रंग के कोमल तथा लचीले अंग हैं जो वक्ष गुहा में हृदय को घेरे हुए डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। दाहिना फेफड़ा जो है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा तथा चौड़ा लंबाई में छोटा होता है। लंग्स में ब्रोंकी के प्रवेश स्थान को हाइलस कहते हैं। ये खांचों द्वारा तीन पिंडों में बटा रहता है। आया समझ में? ये तीन पिंडों में बटा रहता है जबकि बायां फेफड़ा जो है वो दो पिंडों में बटा हुआ होता है। श्वसन की क्रियाविधि देखें तो अंतः श्वसन होता है और निःश्वसन होता है। अंतः श्वसन वायु नासा द्वार से होते हुए श्वास नली में, श्वास नली से ब्रोंकी में, फिर उसके बाद ये किस में जाती है? उपशाखाओं में जाती है, फिर वायु कोशों में खुलती है। इस तरह से ये गैसों का विनिमय होता है। O2 रक्त में तथा CO2 रक्त से वायु कोशों में स्थानांतरित हो जाती है। ये आपका क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। निःश्वसन, यहाँ अंतः श्वसन का विपरीत दिशा में वायु का स्थानांतरण होता है तथा अस्वच्छ वायु बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह से ये हमारा पूरा श्वसन तंत्र जो है कार्य करता है और हम इसको समझ सकते हैं। ओके।